हे गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन फार्मूला, गाइस ये पार्ट 7 है। प्रीवियस पार्ट आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देख सकते हो, मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया गाइस। तो पार्ट 7 में गाइस हम लोग पढ़ने वाले बूटनी फार्मूला। देखिए गाइस, बूटनी फार्मूला ना मैंने नाम क्यों डाला गाइस, इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो देखिए बूटनी फार्मूला, इसके भी तीन फार्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट। सीक्वेंस याद रखना गाइस, जैसे मैंने पार्ट 6 में बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड क्या था गाइस, वन अपॉन अंडर रूट प्लस के बाद माइनस। सीक्वेंस आपको याद रखना गाइस, सीक्वेंस मैटर करता है इसमें, डी एक्स। और गाइस थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट, ए पहले आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ए पहले आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब गाइज देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए गाइज, ट्रिक करके यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ ट्रिक। ये ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है आपको गाइज, आपको ट्रिक याद रखना है, लॉग मॉड एक्स प्लस कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट प्लस। बस गाइज ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है ट्रिक, लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस सीपी, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट करना है गाइज आपको। सो गाइज आपको याद रखना है ये ट्रिक, याद रखना है लॉग एक्स प्लस कट एंड पेस्ट गाइस, ये ट्रिक आपको हुआ है इसमें। अब इसमें जो बताने वाला गाइस, मैंने इसका नाम बूटनी क्यों डाला गाइस, इसके पीछे भी रीजन मैंने बोला था। तो देखो बूटनी क्यों डाला मैंने, बी मतलब बेस, सब बेस में आएगा। देखो बी रूट दिख रहा है, तो अगर बी की जगह मैं आर लिख दूँ तो रूट गाइस रूट हो जाएगा वो रूट। तो देखो बेस में रूट होगा, याद रखिए। बूटनी नाम क्यों डाला, बी की जगह मैं आर रखता हूँ तो बूट इट लुक लाइक्स रूट गाइस। तो देखिए रूट दिख रहा है तो मतलब रूट आएगा, और बेस में रूट आएगा गाइस, बी मतलब बेस, बेस में रूट आएगा। इसके लिए मैं गाइस इसका नाम डाला बूटनी फार्मूला। अब वन अपॉन अंडर रूट, सब अंडर रूट में है गाइस यहाँ पे, और बेस में है गाइस, बेस मतलब अपॉन में है गाइस। तो इसका फार्मूला कैसे याद रखना है गाइस, मैंने ट्रिक बता दिया है। देखो लॉग लॉग ये वाला ट्रिक याद है, लॉग एक्स प्लस कट एंड पेस्ट गाइस याद रखिए। तो लॉग एक्स तो आएगा ही प्लस कट एंड पेस्ट, इसको कट करो और पेस्ट कर दो, यहाँ से कट किया यहाँ पे पेस्ट किया प्लस सी गाइस, इंटीग्रेशन को क्लोज करने के लिए प्लस सी। सेम गाइस इसका भी फॉर्मूला वही है, लॉग एक्स प्लस, तो गाइस एक्स प्लस क्या था, एक्स प्लस कट एंड पेस्ट, तो एक्स डाल दिया मैंने और इसको कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लास्ट वाला फार्मूला देखिए गाइस, लास्ट वाला फार्मूला आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का फार्मूला याद है। ये गाइस किसके जैसे फार्मूला दिख रहा है पता आपको, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गाइस, ये दिख रहा है ना इसके जैसे दिख रहा है, किसके जैसा, ये साइन इनवर्स एक्स के जैसा दिख रहा है, वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब वन, वन का स्क्वायर मतलब कॉन्स्टेंट नंबर, ये मतलब वेरिएबल है, तो वन माइनस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स यहाँ पे लगेगा गाइस, ये ध्यान देना। तो इसको गाइस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ गाइस, इस फार्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गाइस सेम है, क्योंकि ए का वैल्यू मैंने वन ले लिया, तो वन का स्क्वायर क्या होता है गाइस, वन होता है। तो देखिए वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब गाइस ये फार्मूला किसके जैसे लग रहा है, ये फार्मूला आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था उसके जैसे लग रहा है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है गाइस। तो इसका गाइस कैसा फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स, अभी गाइस यहाँ पे देखा डिवाइड करता है एक्स बाई ए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस सी गाइस, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखिए, इस ट्रिक से आप कर सकते हो, बस ये फार्मूला याद रखना, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे तो उसके जैसे लगते हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके जैसे लग रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अभी किसका फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा गाइस, वेरिएबल हमेशा ऊपर होता है कॉन्स्टेंट नीचे होता है गाइस।
तो गाइज ये पार्ट सेवन था,